ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। ये इमारत 100 करोड़ की है और कैसे एक ही झटके में इसे ढा दिया गया। किस तरीके से 100 करोड़ की लागत से बनी ये इमारत एक ही पल में जमींदोज हो गई। अब इस इमारत को ढहाने के पीछे की वजह भी जान लीजिए। लखनऊ में रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे दाऊद अहमद ये 7 मंजिला इमारत बनवा रहे थे। आरोप था कि निर्माण अवैध है। कुछ घंटे पहले तक करोड़ों रुपए की लागत से खड़ी थी, 5 मंजिला इसमें फ्लैट बनाए गए थे, नीचे बेसमेंट था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि इस इलाके में किया गया निर्माण अवैध है, लिहाजा LDA और स्थानीय पुलिस की मदद से यहां पर कार्रवाई की गई इस बिल्डिंग को गिराने की। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इलाहाबाद से विशेषज्ञों की टीम आई। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर रसूख के दम पर कोई भी अवैध निर्माण होगा और जांच रिपोर्ट में वो निर्माण अवैध साबित होगा तो उसको जमींदोज करने में कोई गुरेज नहीं होगा। आरोप ये भी था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों को दरकिनार करके इस इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात से नाराज था। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस रूल्स 1959 के नियम 38(2) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया है जिसमें लखनऊ में स्थित एक संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के जो संरक्षित क्षेत्र है उसके भीतर उसके विनियमित क्षेत्र के भीतर एक निर्माण किया गया है जिसकी NOC SI से नहीं ली गई है। अक्टूबर 2018 में ही दाऊद अहमद को आर्कियोलॉजिकल विभाग ने नोटिस भेज दिया था मगर दाऊद ने नोटिस को दरकिनार किया। इसके बाद लगातार दाऊद अहमद को नोटिस दिया जा रहा था मगर उन्होंने ना तो नोटिस का जवाब दिया ना ही निर्माण कार्य को रोका। आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर इस इमारत पर चल ही गया। जिस पोकलैंड मशीन से इमारत को ध्वस्त किया जा रहा था वो खुद भी इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि इसमें बैठा ड्राइवर भी कुछ देर के लिए इमारत के अंदर दब गया मगर समय रहते उसको रेस्क्यू कर लिया गया। आरोपों के मुताबिक दाऊद अहमद ने ये इमारत संरक्षण स्मारक रेसिडेंसी के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में बना रहे थे बगैर किसी नियम कानून को माने। लेकिन अब प्रशासन की क्रेन इस पर चल चुकी है और ये इमारत जमींदोज हो चुकी है। आपको बता दें कि योगी सरकार में अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाया जा रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के अवैध निर्माण पर भी सरकारी बुलडोजर चल रहा है और इसी कड़ी में दाऊद अहमद की इमारत भी जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बनजानी, भैया ये यूपी है यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।